आप अगर पूना में आएंगे तो सारसबाग के सामने अहिल्या देवी होळकर जी का स्टैचू है, वहाँ से वो रैली निकलकर सावित्रीबाई फुले के राष्ट्रीय स्मारक तक जाने वाली थी। तो वो मैं पहली बार देख रही थी कि इतने बैनर, इस पे क्या लिखा है, ये क्या लिख रहा है, लिखा है, ये सब महिलाएं क्या गा रही है, क्या बोल रहे हैं ये लोग सब। और ये सब एकदम रास्ते के बीच से लोग जा रहे हैं, ट्रैफिक को रोक रहे हैं, इतना बड़ा मार्च है, ये सब मेरे लाइफ में पहली बार हो रहा था। और मैं इससे इतना इंस्पायर हुई कि ये जो बात कह रहे हैं ये मेरी ज़िंदगी की कुछ बात है, और ये टीवी में नहीं दिखाते, ये सीरियल में नहीं दिखाते, और ये मेरे को बॉलीवुड के सॉन्ग्स में नहीं दिखा। तो ये जो सब मतलब इंस्पिरेशन था, तो फूलेवाड़ा का जो पहला प्रोग्राम था उससे एकदम इंस्पायर हो गए, और वहाँ तय कर लिया कि गाना गाना है तो इस स्टाइल का गाना अपने को गाना है लाइफ में आगे जाके। तो ये जो एक एक दुविधा रहती है ना कि अगर अच्छा आवाज़ है तो चलो हम लोग बॉलीवुड में स्ट्रगल करेंगे, या फिर चलो अच्छा आवाज़ है, थोड़े सुर भी लग जाते हैं अपने, तो फिर अपने को एक आधा गाना मिलना चाहिए फिल्म का गाने के लिए। और तो ये दुविधाएं जो है वो मेरी ख़त्म हो गई थी वहीं पे, और मुझे लगा कि नहीं, ये जो अपनी आवाज़ है, ये जो अपना गाना है, ये सही सब्जेक्ट अपने को मिला, अभी अभी अपने को रास्ता मिल गया है। ऐसी एक फीलिंग, मतलब इतनी क्लियरिटी भी नहीं रहती, लेकिन एक अंदर से एक फीलिंग आती है कि हाँ, ये जो चल रहा है ये बहुत लोग अच्छे हैं, ये सब विचार अच्छा है, हम लोग आगे जाएंगे। तो मैं जो बोल रही थी कि एक टर्निंग पॉइंट रहता है कि उधर अपने को आपको कौन मिलता है उस पे डिसाइड होएगा कि आप आगे कहाँ जा रहे हैं। तो मुझे तो अच्छे लोग मिले, और मैं मोमेंट में आई, और गाना भी ये सब मतलब हम लोगों ने सीखा। एक मराठी गाना बहुत फेमस हुआ महाराष्ट्र में अभी, जब हम लोग जेल में थे, और जब जेल में हमारी सुनवाई होती थी तो सचिन को अलग जेल में रखा था, मेल जेल में रखा था, वो आर्थर रोड में, जब आर्यन अभी था ना वो जेल में, आर्थर रोड के जेल में, तो अंडा सेल में वो था, तो वहाँ से उसको लाते थे तारीख के लिए, और मेरे को भाईकाला जेल से लाते थे, महिला जेल से। तो तब मैं 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, और और अरेस्ट हो गई हमको, तो मुझे ऐसे लगता था कि अभी बच्चा तो जेल में पैदा होने वाला है, मतलब कुछ ऑप्शन ही नहीं है उसको अभी, तो बहुत टेंशन था वो कि कैसे होगा, बच्चा कैसे जेल में आएगा, अभी कैसे करेंगे इसका, पहला ही बच्चा है, मेरे को तो कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ ऐसा सब था। तो ये और वहाँ पे ना महिला बैरिक जो थे प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, और जो डिलीवर्ड महिला है उनके लिए एक बड़ा बैरिक था, 100-150 महिलाएं एक ही बैरिक में, और उनके बच्चे भी उनके साथ उन्हीं बैरिक में। तो एक था कि इतनी सी जगह रहती थी, फर एक जो फर्श रहती है ना, वो फर्श ही आपका जगह है वहाँ पे, वो फर्श पे आपने ये बैग रखना है, और उसके सामने का जो भी जगह है उतना ही आपका जगह है, उसमें बच्चा और वो माँ वैसे बैठेगी, ऐसे ऐसे 100-150 माए और बच्चे। तो मेरे को जो पहले दिन उसी बैरक में डाला, और पेट बीट मेरा सब, मैंने देखा कि बाप रे, अभी जो जब बंदी होती थी तो बंदी होने के टाइम पे सब बच्चों को अंदर लाते हैं, और जब खोलते हैं 2-3 घंटे के लिए तो सबको बाहर, मतलब अभी 12 से 3 बजे तक दोपहर को बंदी रहेगी, मतलब आपको बंद कर देंगे, और 3 से 6 बजे तक बाहर छोड़ेंगे टहलने के लिए, कुछ खाना लेने के लिए, ऐसा सब। तो 6 बजे तक फिर से बंदी करना है, फिर से बंद करना है। तो माए तो चली जाती है, उनको पता है 6 बजे है, लेकिन बच्चों को नहीं पता है ना 6 बजे है, 3 बजे तुम्हारा क्या जेल मैनुअल है, उनको नहीं पता। तो हर दिन इतने बच्चे, 6 बजे जब पुलिस उनको लेके जाती है अंदर, तो वो चिल्लाते हैं, वो ऐसे इसको ये वो रहते ना सलाखे, उनको उसके उसको पीटती है वो सब, और इतना चिल्ला पुकार आधा पौन घंटा वो सब रोना धोना चलेगा। तो वो मैंने देखा, और मैं बहुत मतलब ये हो गई, डिस्टर्ब हो गई। तो उस टाइम मैंने जेल में लिखा था कि मतलब मैं मेरी बच्चे से, मेरा डायलॉग है वो कि ये जेल है तो तू हे करू नको, म्हणजे क्या, हाँ घाई आणि तू त्रास करून घेऊ नको, हे जेल है, ये बाळा जेल आहे, असं अशा अशा पद्धतीचं एक 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 कविता मैंने उस टाइम पे लिखी थी। और सेम कविता मतलब सेम इमोशंस पे कविता सचिन ने भी लिखी ऑर्थर रोड जेल में।
और उसने एक गाना लिख के लाया जब हमारी कोर्ट का पेश ही था तब, और जज सामने बैठे हुए, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, पुलिस है यहाँ पे, सब लोग है, और उसने एक ऐसा कागज़ दिखाया, ये देखो ये मैंने अपने बच्चे के लिए गाना लिखा है आपने, तो मैंने ऐसे देखा और उसको गाते गा मतलब गाना ही शुरू कर दिया मैंने, वो मतलब उसको सोचा वगैरह ऐसे नहीं, जैसे ही देखा तो गाना शुरू कर दिया। तो वो भी एक डायलॉग है कि हम हमारे बच्चे को बोल रहे हैं कि क्या बताऊँ तुम्हें मैं, काय सांगू तुला माझा पिला रे, तुला वादळात जन्म दिला रे, मतलब तुमको अब हम लोग तूफान में जन्म दे रहे हैं, तुम्हारी कुछ गलती नहीं है लेकिन हम लोग देना पड़ेगा अभी, तूफान में जन्म दे रहे। इस तरीके से वो एक गाना मराठी में है। तो वो एक मतलब ये कैसा प्रोसेस है ये समझाने के लिए मैं ये बोल रही हूँ कि सोचे सोचे हैं, कहीं पे बैठे हैं, फिर लिखे हैं, ऐसा नहीं हुआ है। तो एक इट इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। काय पाचो दे। काय सांगू तुला माझा पिला रे, तुला वादळात जन्म दिला रे, काय सांगू तुला माझा पिला रे, तुला वादळात जन्म दिला रे। होती तुझी माता, वादळात उभा होता पिला तुझा जन्मदाता, त्याने धैर्य तरी दिले तिला रे, त्याने धैर्य तरी दिले तिला रे, तुला वादळात जन्म दिला रे, काय सांगू तुला माझा पिला रे, तुला वादळात जन्म दिला रे। मतलब तूफान अभी आ गया है और आकाश भी फटा हुआ है, लेकिन वो फटे आकाश में ही हम आपके लिए झूला बनाएंगे। वादळ जीवावरी उठलेल, आकाश होत फाटलेल, त्या आकाशी बांधून झुला रे, झुले आकाशी तुझा झुला रे, तुला वादळात जन्म दिला रे, काय सांगू तुला माझा पिला रे, तुला वादळात जन्म दिला रे, काय सांगू तुला माझा पिला रे, तुला वादळात जन्म दिला रे।